हेलो दोस्तों दोस्तों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से जॉब वैकेंसीज अनाउंस की गई है। दोस्तों इस एडवर्टाइज नंबर 383 के अकॉर्डिंग ये मतलब कि ये जो पोस्ट है वो अनाउंस की गई है, जिसका हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लेते हैं, एजुकेशन चेक कर लेते हैं। सबसे पहले ये दोस्तों फर्स्ट क्लास सबसे पहले बीई या बीटेक इन इलेक्ट्रॉन्स कम्युनिकेशन के अंदर पास कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। एज रिलेक्शन की बात कर लें, SC ST के लिए 5 साल की छूट है और नॉर्मल जो एज लिमिट तय की गई है वो 25 ईयर्स ओल्ड है। दोस्तों आगे बात करें तो हम नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर लें। दोस्तों 19 इंजीनियर की पोस्ट है, जिसमें 13 इलेक्ट्रॉनिकल्स हैं और 6 मैकेनिकल इंजीनियर की ज़रूरत है। तो दोस्तों आगे जॉब इसकी जो सैलरी पे की बात कर ले हम, दोस्तों बहुत अच्छी खासी भारत इलेक्ट्रॉन सैलरी दे रहा है, जो स्टार्टिंग में लगभग 23,000 के आसपास रहेगी, उसके बाद इंक्रीज होती रहेगी। एक्सपीरियंस दोस्तों एक्सपीरियंस इसमें 6 मंथ का एक्सपीरियंस मांगा गया है और लास्ट डेट अप्लाई करने की 2/11/2019 है। अब मोड ऑफ सिलेक्शन देख ले दोस्तों, इन्होंने साफ साफ बोला है कि आप अगर यहाँ पे अपना फॉर्म अप्लाई करना है इस जॉब के लिए तो सिर्फ इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.bellindia.in पर ही अप्लाई होगा। तो दोस्तों चलो मैं आपको बताता हूँ कि आप ये फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों सबसे पहले आपको जाना है अपने गूगल ब्राउज़र में, जाके लिखना है www.bell.india.in, लिख के ये सर्च कर देना है। उसके बाद आपको बेल का होम पेज आ जाएगा, जो मैं ये अंडरलाइन कर रहा हूँ इस तरह का, इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके पास इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। इस तरह का पेज ओपन होने के बाद दोस्तों आपको करियर ऑप्शन पे जाना है और रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके पास जो इसका PDF फॉर्म होगा इस तरह का डाउनलोड हो जाएगा। तो इसमें ये फुल डिटेल दी गई है, आप यहाँ पे चेक कर लेना अपना क्राइटेरिया, अपनी एलिजिबिलिटी क्या क्या इसमें मांगा गया है, क्या क्या ज़रूरत है इस फॉर्म फिल करने के लिए। इसके बाद दोस्तों ये जब ये PDF फाइल आपके पास आ जाएगी तो आपके पास जो ये लिंक शो हो रहा है ना, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। तो ये ब्लू कलर्स में लिंक शो हो रहा है, इस पर क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके पास इस तरह का फॉर्म ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको अपना डिटेल फिल करनी है, अपना नाम फिल करना, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, आप मैरिड हो या अनमैरिड, जेंडर, कैटेगरी, रिलीजन, और इसके बाद हमें क्वालिफिकेशन, यहाँ पे BA का सर्टिफिकेट और पासिंग ईयर, जो भी आपके यहाँ पे परसेंटेज वगैरह मतलब मांगी गई है, यहाँ पे अब हमको ठीक ठीक फिल कर देना है। इसके बाद वर्क एक्सपीरियंस, कहाँ किस ऑर्गेनाइजेशन से आपने पहले एक्सपीरियंस लिया है, डेस्टिनेशन क्या है, और गवर्नमेंट था या प्राइवेट था, और अपना यहाँ पे सैलरी स्केल बताना है कितनी थी, और यहाँ पे टाइमिंग बताना है कितने से कितने तक आपने यहाँ पे काम किया। इसके बाद नोट ऑन वर्क एक्सपीरियंस, जो भी अपने वर्क एक्सपीरियंस के दौरान लिखा है, मतलब कि जो अपने पता किया है उसके बारे में, कुछ भी यहाँ पे मैंने वर्क के बारे में लिख देना है। इसके बाद अटैचमेंट,
दोस्तों इसके बाद हमें अपना कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे फोटो क्लिक करके अटैचमेंट करनी पड़ेगी, और करने के बाद हमें सबमिट कर देना दोस्तों। उसके बाद कुछ नहीं करना, आपका ई कॉल लेटर होगा जो शॉर्टलिस्टेड होगा, वो आपको मेल के थ्रू आपकी जीमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा। बट दोस्तों याद रहे, आपका फ़ोन नंबर और जीमेल एड्रेस सही होना चाहिए, ताकि जो आपको कोई ई कॉल लेटर पाने में कोई दिक्कत ना हो। ओके दोस्तों, अगर कुछ और जानकारी चाहिए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और कमेंट